नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटेसी वी में। मेरे भाई, अगर आप बांग्लादेश वर्सेस यूएसए में ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन लगाना चाहते हैं या कहें ड्रीम इलेवन में यूनिट टीम बनाकर जीतना चाहते हैं तो ये वीडियो मेरे भाई आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको कवर करने वाला हूँ कि कौन सा प्लेयर आपको अपने ग्रैंड लीग टीम में लेकर चल सकते हैं, कौन सा प्लेयर स्मॉल लीग, एंड उससे ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है। अगर इसमें देखा जाए तो आप चाहे इसमें ग्रैंड लीग का टीम बनाना चाहते हैं या आप स्मॉल लीग में प्लेयर का चॉइस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। और मैं आपको इस वीडियो में पिचेस के हिसाब से आपको बनाऊंगा कप्तान एंड उप कप्तान किसको बनाया जाए, क्योंकि अगर इसमें देखा जाए तो बांग्लादेश और उसके बाद यूएसए में आपका सेकेंड T20I खेला जाएगा। इसमें मैं आपको कंफर्म बता दूंगा कि कौन सा प्लेयर इसमें चलने वाला है, कौन सा प्लेयर फ्लॉप जाएगा। सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए तो किस स्टेडियम में खेला जाएगा, तो सबसे पहले स्टेडियम की बात करें तो आपको ब्रिस व्यू क्रिकेट कॉम्प्लेक्स, उसके बाद आउटडोर में खेला जाएगा। अब आपको ध्यान में रखिएगा, अगर इस स्टेडियम की बात करें तो सबसे पहले इसमें देखा जाए अभी तक जो टोटल मैचेस हो चुका है, इंटरनेशनल मैचेस इसमें 6 खेला गया, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम देखेंगे तो 4 बार विन करके आ रही है, लेकिन सेकंड बैटिंग करने वाली देखेंगे, फर्स्ट बैटिंग करने वाली एंड यहाँ पर सेकंड बैटिंग करने वाली सिर्फ 2 बार जीती है। यानी अगर इसमें कोई भी अगर टॉस जीतकर बैटिंग करना चाहता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है, इसमें अच्छे खासे बैटिंग करने को चांस मिलेगा। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है कि आपका एवरेज स्कोर कितना जा सकता है, तो एवरेज स्कोर आपका 174 जाने वाला है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 230 पर 3 विकेट गया, लोवेस्ट की बात करें तो 132 पर 10 विकेट गया। इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है पेसर को सपोर्ट मिलेगा या आपको स्पिन को मिलेगा, लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो पेसर 22 विकेट निकाल चुका है और इसमें 40% जो विकेट निकालकर जाता है वो आपको फास्टर ही जाता है, लेकिन अगर स्पिन की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा इस स्टेडियम में स्पिन को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, यानी 60% जो विकेट मिलता है वो आपको स्पिन को ही मिलता है। यानी इतना मैंने मैचेस कवर किया है लेकिन इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा तो स्पिन को मिलेगा, आगे मैं आपको क्लियर बता दूंगा। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो इस स्टेडियम का रिसेंट फॉर्म कितना जा सकता है, तो अगर फर्स्ट T20I को देखा जाए तो बांग्लादेश पहले बैटिंग करते हुए 153 रन बनाती है, जिसमें से अगर देखा जाए तो यूएसए इसमें 156 रन बनाकर इस महामुकाबला को जीत कर जाता है और स्पिनर को इसमें 3 विकेट मिलता है, फास्टर को इसमें 6 विकेट मिलता है। लेकिन दूसरा मैचेस की बात करें तो इसमें कनाडा 168 रन बनाती है पहले बैटिंग करते हुए, जिसमें से पेसर को 4 विकेट मिल जाता है, लेकिन वही देखा जाए तो यूएसए इसमें देखा जाए तो इस महामुकाबला को चेस कर गया था, जिसमें से स्पिनर को इसमें 6 विकेट मिला था, फिर से इसमें बैटिंग करता है 169 रन बनाता है, पेसर को 3 विकेट मिलता है और इसमें कनाडा देखा जाए तो 145 रन ही बना पाता है और इस महामुकाबला को चेस नहीं कर पाता है, जिसमें से स्पिनर को इसमें सबसे ज्यादा 9 विकेट मिला है। फिर चौथे मैचेस की बात करें तो यूएसए पहले बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा स्कोर किया है, 230 पर किया है 3 विकेट पर, जिसमें से पेसर को 7 विकेट मिलता है। फिर अगर इसमें कनाडा को देखेंगे तो इस महामुकाबला को चेस नहीं कर पाता है और इसका विकेट 200 गिर जाता है और स्पिनर को इसमें 6 विकेट मिलता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मुझे स्पिनर को लेकर जाना चाहिए या आपको फास्टर को लेकर जाना चाहिए, कि इसमें आपको पिच रिपोर्ट क्या करता है। चलिए इसमें मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूं कैसे आपको कौन सा बल्लेबाज या गेंदबाज लेकर जाना चाहिए। तो देखा जाए इस मैच की पिच हमें बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के लिए आप शानदार रहने वाली है, इसलिए यहां हमें बड़े स्कोर बहुत कम चांस देखने को मिलता है, जैसा कि 230 स्कोर गया उतना जाता है तो आपको सबसे ज्यादा बेटर काम करने वाले, ज्यादातर यहां पर एवरेज स्कोर ही, लेकिन गेंदबाजों को यहां तेज और स्पिनर गेंदबाजों को यहां पर लगभग एक समान विकेट मिलता है। ऑलरेडी मैंने बता दिया दोनों को इस स्टेडियम में सपोर्ट मिलता है, स्पिनर को भी और आपको फास्टर को भी मिलता है, तो वैसे टीम बनाकर जाना है। आगे मैं आपको टीम भी देने वाला हूं। तो इस पिचेस की बात करें तो आपको ध्यान में देखिएगा तो दोनों तरफ से प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, तो सबसे पहले प्लेइंग 11 की बात करें तो बांग्लादेश का देखा जाए तो आपको सौम्या सरकार जो इसमें ओपन कर सकते हैं, लीटल दास होने वाले जो विकेट कीपर में, उसके बाद नवजिल्ला हुसैन संतो, उसके बाद टी हरदोई एंड यहाँ पर पांचवें नंबर की बात करें तो महमदुल्ला होने वाले, छठवें नंबर की बात करें तो साकिब अल हसन जो आपको ऑलराउंडर का काम करेंगे, और ऑलराउंडर में अगर इनको देखा जाए तो 50% लोग इनको कैप्टन बना के जा रहे हैं, अगर देखा जाए आउट हो जाते चाहे विकेट नौ ले जा पाते तो इनको 50 लाख आपका टीम वहीं पर फ्लॉप हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब चलिए देखा जाए सातवें नंबर पर तो जकर अली एंड आठवें नंबर पर देखा जाए तो रसीक हुसैन, उसका नवे नंबर पर
सरफिली असलम एंड यहाँ पर 10 नंबर देखा जाए तो मेहदी हसन, उसके बाद 11 नंबर पर मुस्ताफिजुर रहमान जो आईपीएल में खेल लेते और चेन्नई की तरफ से अच्छे खासे विकेट निकाल कर दिलाए रहते। अब चलिए इसी में देखा जाए यूएसए का प्लेइंग 11 देखा जाए तो पहले नंबर आपको देखने को मिलेगा मनक पटेल एंड उसके बाद स्टीवन टोयर एंड तीसरे नंबर पर हेड्रिक गेस, चौथे नंबर की बात करें तो अरहन, उसके बाद पांचवे नंबर कैरी एंडरसन, छठे नंबर पर नीतीश कुमार, सातवें नंबर पर हरमीत सिंह जो आपको अच्छे खासे परफॉर्मेंस करके दिलाएंगे, आठवे नंबर की बात करें तो जगदीप सिंह एंड नौवे नंबर की बात करें तो आपको नोसे सूस, उसके बाद दस नंबर की बात करें तो सौरभ एंड ग्यारह नंबर की बात करें तो अली खान होने वाले। अब इसमें देखा जाए तो यूएसए का यही 11 प्लेयर होने वाले और इसी में से कोई ना कोई एक ऐसा बॉलर या बैटर होगा जो अच्छे खासे परफॉर्मेंस करके दिलाएगा। अगर इसमें देखा जाए तो इन सब का रिसेंट फॉर्म क्या हो सकता है, सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए बांग्लादेश का रिसेंट फॉर्म क्या हो सकता है तो सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए तो सौम्या सरकार का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हो पाया क्योंकि ऑलराउंडर का काम करेंगे और इसमें अच्छे खासे इसमें परफॉर्मेंस करके दिलाएंगे। सौम्या सरकार ओपन करने वाले लेकिन अगर इनका रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो एक मैच में 20 रन, फिर 7 रन, फिर 41 रन बड़ा मैचेस पर खेला हुआ है, फिर एक मैच में इन्होंने बॉलिंग भी किया है और 26 रन प्लस एक विकेट भी निकाल चुका है। लेकिन दूसरे नंबर पर देखा जाए तो लिटन दास, अगर इनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो विकेट कीपर में पिछले मैच में 14 रन का परफॉर्मेंस किया है एंड यहाँ पर 12 रन, उसके बाद 23 रन एंड यहाँ पर 1 रन 7 रन, ये भी कोई भी मैचेस अच्छे परफॉर्मेंस करके नहीं दिला पाए, कोई भी मैच बड़ा पारी नहीं खेल के दिला पाए। लेकिन तीसरा नंबर की बात करें तो नमदुल्ला हुसैन चैंतू, अगर इनका देखा जाए तो ये भी कभी कभी बॉलिंग कराने का चांस नहीं मिलता है लेकिन इनका देखा जाए पिछले मैच में 3 रन, एक मैच में इन्होंने ड्रीम टीम में शामिल किया जो 36 रन का परफॉर्मेंस करके दिलाए। चौथे नंबर की बात करें तो आपको ट्यून हरदोई, अगर इनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो पिछले मैच में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिला रहे 58 रन का, एक मैच में इन्होंने 57 रन एंड यहाँ पर 37 रन का परफॉर्मेंस करके दिला रहे। पांच नंबर की बात करें तो मोहम्मद अल्लाह, ये भी ओपन कर सकते हैं एंड यहाँ पर 31 रन, उसके बाद 54 रन एंड यहाँ पर 26 रन का पारी खेला हुआ है और अच्छे खासे परफॉर्मेंस करके दिला सकते हैं। छठे नंबर की बात करें तो शौकिब अल हसन, इनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो ऑलराउंडर काम करेंगे एंड यहाँ पर पिछले मैचेस की बात करें 6 रन प्लस 0 विकेट ले पाया था, अगले मैचेस की बात करें तो 31 रन प्लस 1 विकेट निकाल चुके हैं एंड उसके बाद बात करें तो 1 विकेट 1 रन और 4 विकेट ले रहा है। बॉलिंग से परफॉर्मेंस करके नहीं दिला पा रहे लेकिन अगर इनका बॉलिंग को देखा जाए तो विकेट निकालकर दिला रहे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सातवें नंबर की बात करें तो जकर अली, इनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो उन्होंने एक मैच 26 रन का परफॉर्मेंस किया है एंड यहाँ पर 44 रन, नहीं तो 3 मैचेस इनका फ्लॉप गया और 3 मैचों का परफॉर्मेंस देख सकते हैं 9 रन, 6 रन, 13 रन का परफॉर्मेंस किया है। अगर कोई भी प्लेयर, आपको पता होगा कि जब तक वो 30 रन प्लस परफॉर्मेंस नहीं करेगा तब तक वो ड्रीम टीम में शामिल नहीं हो सकता है। अगर आठवें नंबर की बात करें तो आपको रशद एंड हुसैन की बात करें तो पिछले मैच की बात करें इन्होंने 1 विकेट ले रखा है, फिर 0 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 2 विकेट, 2 विकेट, ये भी बॉलिंग अच्छा करके दिला सकते हैं एंड उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले अगर वर्ल्ड कप का इनका परफॉर्मेंस देखा दे तो सरफिल असलम की बात करें तो 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, इस तरह से इनका परफॉर्मेंस होता रहता है लेकिन वर्ल्ड कप में इन्होंने 2-2 3-3 विकेट निकाल चुका है एंड यहाँ पर बात करें मेहदी हसन ऑलराउंडर के काम करेंगे, कभी कभी देखा जाए तो 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट निकाल रहे हैं एंड उसके बाद 11 नंबर की बात करें तो मुस्ताफिजुर रहमान, आपको पता होगा कि चेन्नई के खिलाफ से खेलते हैं आईपीएल में, 2 विकेट ले रखा है, 0 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, इस तरह से इनका परफॉर्मेंस हो रहा है। अगर इन 11 प्लेयर में देखा जाए तो किसको आपको अपने ड्रीम टीम में शामिल करना, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको लिटल दास को अपने टीम में सेलेक्ट करके जाना है, उसके बाद नीचे जाना है तो आपको मोहम्मदुल्लाह को रखना है एंड यहाँ पर शौकिब अल हसन को, बॉलर में देखा जाए तो आपको मुस्ताफिजुर रहमान एंड उसके बाद शरीफ असलम को लेकर जाना है, अच्छे खासे बैटिंग से बॉलिंग करके दिलाने वाले, यही आपको बैटर लेकर जाना। अब चलिए अगर इसमें देखा जाए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तो यूएसए का अगर इसमें देखा जाए रिसेंट फॉर्म क्या होने वाला है तो सबसे पहले अगर इसमें बात करें पहले नंबर की तो आपको मनक पटेल की बात करें, अगर इनका रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो पिछले मैच फ्लॉप गया, उसके बाद फिर मैच फ्लॉप गया लेकिन 68 रन, उसके बाद 50 रन और 32 रन का परफॉर्मेंस करके दिलाए। लेकिन स्टीवन बात करें तो इनका परफॉर्मेंस देखेंगे पिछले मैच में 28 रन प्लस 2 विकेट ले रखा है, अच्छे खासे बैटिंग से बॉलिंग करके दिलाते, फिर पिछले मैच में 39 रन प्लस 1 विकेट निकाल रखे, उसके बाद तीसरे मैच की बात करें 54 रन प्लस 1 विकेट निकाल रखा है,
तीसरे नंबर की बात करें तो एंड्रीस गॉस की बात करें, पिछले मैच में इन्होंने 23 रन बना रखा है, इंडिया पर 7 रन 57 रन बड़ा पारी खेला है, दो मैचों में लगातार 50 प्लस इन्होंने बना रखा है। चौथे नंबर की बात करें एडसन जॉन्स की बात करें, पिछले मैच में फ्लॉप गए थे 4 रन, फिर फ्लॉप गए थे 2 रन, फिर 15 रन ये भी फ्लॉप गए थे, 34 रन परफॉर्मेंस करके दिलाए, नहीं तो सारे मैचेस इनका फ्लॉप जा रहे हैं, इनको अपनी टीम से ड्रॉप करके जा सकते हैं। अगले नंबर की बात करें पांचवें नंबर पर जो आपको क्रेक से एडरसन होने वाले, अगर इनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो ऑलराउंडर का काम करेंगे, अगर देखेंगे पिछले मैच में 34 रन प्लस 0 विकेट निकाल रखा है, एंड यहाँ पर देखेंगे 55 रन, एंड यहाँ पर 28 रन, 44 रन, 99 रन, इस तरह से इनका परफॉर्मेंस होता है, तो इनको भी अपनी टीम में लेकर जा सकते हैं, अच्छे खासे बैटिंग करके दिला सकते हैं। छठवें नंबर की बात करें तो नीतीश कुमार होने वाले, इनका अगर बैटिंग देखेंगे तो एक मैच में इन्होंने 64 रन का पारी खेला, फिर इन्होंने 53 रन का शानदार पारी खेला हुआ है। सातवें नंबर की बात करें तो अमरप्रीत सिंह, इनका भी अगर दो मैचों देखा जाए तो लगातार फ्लॉप गए, फिर 4 विकेट निकाल रखा है, 2 विकेट निकाल रखा है, बाकी सारे मैचेस फ्लॉप गए। अगर इसमें देखा जाए तो जसदीप का, तो इनका परफॉर्मेंस देखा जाए पिछले मैच में एक एक 4 मैचों में एक ही विकेट निकाल रखा है। एंड यहाँ पर नवे नंबर की बात करें तो आपको संतोष, उसके बाद बात की जाए पिछला मैच नहीं खेला, नहीं तो पूरा मैचेस इनका फ्लॉप गया, सिर्फ एक मैच में इन्होंने 3 विकेट निकाल के रखा हुआ है। दसवें नंबर की बात करें तो सौरभ, यहाँ पर परफॉर्मेंस देखा जाए तो एक विकेट 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, अच्छे खासे बॉलिंग करके दिला सके। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट अली खान की बात की जाए तो 0 विकेट 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, इस तरह से परफॉर्मेंस होता है। अब चलिए आपको ध्यान में देना कि कौन सा प्लेयर आपको अपने ग्रेट इंडियन टीम में लेकर जाना है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ऑलराउंडर में देखा जाए तो आपको टर्नविन आपको अच्छे खासे परफॉर्मेंस करके दिला सके, इसलिए इनको अपनी टीम में लेकर जाना है। अब चलिए यहाँ पर मैंने इनको अपनी टीम में सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद नीचे जाना है तो एडरसन को अपनी टीम में रखना है, फिर नीचे जाना है एंड यहाँ पर केक्स को रखना है, एंड नीचे जाना है तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट अली खान को रखना है, उसके बाद हमरप्रीत सिंह को रखना है। हर एक मैच में इनका अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, 4 विकेट 2 विकेट, इस तरह से इनका परफॉर्मेंस होता रहता है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए अगले नंबर की बात करें तो इसमें क्या होने वाला है, तो सबसे पहले देखा जाए तो यूएसए का प्लेयर बैटल की बात करें तो इसमें अगर देखा जाए तो मुस्ताफिजुर रहमान को एक बार आउट कर चुके हैं इन्होंने, उसके बाद मेहदी हसन को, उसके बाद साकिब अल हसन को एक बार आउट कर चुके हैं, जो आपको स्टीवन होने वाले। अगर इसमें बात करें तो एडरसन पिछले मैच में बात करें तो इसमें रशीद, उसके बाद हुसैन आउट कर चुके हैं। अगर इनका बात किया जाए तो मोनक पटेल की, तो एक मैच में इन्होंने मेहदी हसन एक बार आउट कर चुके हैं। अगर इनका देखा जाए तो अनुरोन पिछले मैच में मुस्ताफिजुर रहमान, इनको एक बार आउट कर चुके हैं। अगर इसमें देखा जाए तो बांग्लादेश का, अगर इसका देखा जाए प्लेयर बैटल क्या होने वाला है, तो सबसे पहले बात करें लिटन दास, तो एक बार इन्होंने और जेसी सिंह एक बार आउट कर चुके हैं, उसके बाद अली खान एक बार, यह सिंह थरवाला आउट कर चुके हैं, उसके बाद नमाजुल्ला संतोख की बात करें तो स्टीवन टॉल जो ऑलराउंडर काम करेंगे, उसके बाद जेसी सिंह एक बार आउट कर चुके हैं। यहाँ पर बात करें तो सुमोने सरकार को देखा जाए तो स्टीवन एक बार आउट कर चुके हैं, अली खान, उसके बाद टॉन हेडोई की बात करें तो अली खान, उसके बाद हरमीत सिंह एक बार आउट कर चुके हैं। लेकिन इसमें देखा जाए तो आज का ड्रीम टीम क्या हो सकता है, सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर बांग्लादेश का देखा जाए तो स्टार्टिंग बॉलिंग एंड यहाँ पर डेथ बॉलिंग कौन करा सकता है, तो मेहदी हसन, सैफ अली असलम, उसके बाद मोहम्मदुल्ला, इसमें भी बॉलिंग करा सकते हैं। उसके बाद डेथ बॉलिंग की बात करें तो मुस्ताफिजुर रहमान, उसके बाद सैफ अली असलम एंड यहाँ पर मेहदी हसन हो सकते हैं, इसमें बॉलिंग करा के दिला सकते हैं। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो यूएसए का बात करें डेथ बॉलिंग कौन करा सकता है, तो उसके बाद सौरभ एक बार इसमें बॉलिंग ओपन कर सकते हैं, उसके बाद अली खान, उसके बाद जयसी सिंह एंड यहाँ पर डेथ बॉलिंग की बात करें तो सौरभ, उसके बाद अली खान एंड यहाँ पर जयसिंह सिंह हो सकते हैं, इस बार यही बॉलिंग करा के दिला सकते हैं और अच्छे खासे इसमें विकेट निकाल कर दिला सकते हैं। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो आज का ड्रीम टीम क्या हो सकता है, तो विकेट कीपर मैंने दो ले रखा है, पहला देखेंगे तो मैंने एम पटेल को ले रखा है एंड यहाँ पर लीशोन दास को ले रखा है। बैटर में बात करें तो मैंने टी हरदोई को ले रखा है, मैंने यूएसए का कोई भी बैटर नहीं ले रखा है, लेकिन उससे ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है ऑलराउंडर एंड बॉलर की बात करें तो इसमें मैंने देखेंगे तो मैंने तीन तीन ले रखा है। पहले ऑलराउंडर की बात करें तो सौम्या सरकार को इस बार मैंने कैप्टन बना के दे रहा है, क्योंकि बॉलर के ऑप्शन इनको सेफ पड़ेगा एंड यहाँ पर सी एडरसन को ले रखा है एंड यहाँ पर साकिब अल हसन को ले रखा है एंड यहाँ पर देखा जाए यश टोएकोल को ले रखा है एंड यहाँ पर आर हुसैन को ले रखा है। बॉलर में बात करें तो यश को ले रखा है एंड यहाँ पर जे सिंह को ले रखा है एंड यम रहमान होने वाले। अगर इसमें कोई भी चेंजेज होता है, अगर कोई प्लेयर नहीं खेलता है, तो सबसे पहले आपको करना क्या, मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना पड़ेगा, वहां पर जो टीम मिलता है सबसे यूनिक और सबसे अलग तरीके से टीम मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।